सो हाई फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्टो। मैं हूँ आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कॉपी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट में चल जाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया और इसमें मैंने बेसिक सा एक हेडिंग लिख के रखा है जो कि खुद का मेरा चैनल का नाम है और खुद मेरा भी नाम है ऑफकोर्स। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख के रखा है। ये पैराग्राफ कुछ भी हो सकता था, लॉरम एप्सम से भी आप कॉपी करके मैं दिखा सकता था, लेकिन मान के चलिए कि मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो अभी हमारा जो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे चेंज करें टाइम्स न्यू रोमन, कि हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाउ टू कॉपी नॉट टेक्स्ट बट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, आप बोलते होंगे कि इसका क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स, आजकल क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, आपको अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के या आप वर्क में ऑफिस में आपको असाइनमेंट सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी डिजिटली आपको सब कुछ रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। तो इस दौर में क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों को दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं और बहुत सारा काम हो सकता है कि वो 5 मिनट का हो, लेकिन हम उसमें आधा घंटा एक घंटा लगा रहे हों। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ट्रेडिशनल मेथड में कैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को कॉपी हो, मतलब अगर हमको सेम टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास ये पैराग्राफ है और मैं इस पैराग्राफ के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसका प्रॉपर्टी जो है, इसका फॉन्ट टाइप अल्जीरियन है, इसका फॉन्ट साइज 24 है और इसमें जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो ग्रीन है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि मैंने ये जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है इसका सेम प्रॉपर्टीज हो, जो इस पैराग्राफ का प्रॉपर्टीज है, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में भी सेम प्रॉपर्टीज हो। तो चलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ चेंजेस होगा। मैं इसे डार्क रेड में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे क्या चाहिए कि नहीं, मैंने जो ये पैराग्राफ लिखा है मुझे एकदम सेम प्रॉपर्टीज चाहिए जो इस पैराग्राफ का है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जो है आपको सेलेक्ट कर लेना। आप चाहे तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए या एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, कुछ भी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए। मतलब हम इसे करना क्या चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के हम प्रॉपर्टीज़ को, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी करेंगे। तो आज तक तो भाई हमने सुना था कि हम टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर को कॉपी कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर के प्रॉपर्टीज़ को कॉपी किए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कीज को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। शॉर्टकट की जो है आपको दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, प्लस का मतलब क्या है, एक साथ दबा के, प्लस सी। ये क्या करेगा, टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को कॉपी कर देगा और उस टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को दूसरे में लगाने के लिए यानी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, टू कॉपी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक कर लेते हैं, माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, और यहाँ पे टू पेस्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए मैं सिंपली अभी आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के प्रॉपर्टीज को कॉपी करता हूँ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और इसे पेस्ट करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को चेंज करना चाहता था। देखिए अभी इसका प्रॉपर्टी क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, और ये इसका कलर क्या है, इसका कलर है आपका ग्रीन। तो मैं इसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी दबाता हूँ, आप देख सकते हैं इसका अभी फॉन्ट टाइप हो गया अल्जीरियन और कलर हो गया बिल्कुल मरून जो इसका कलर था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना आसान था। पहले हम क्या करते हैं, ये तो अभी हमने जो मेथड सीखा इस तरीका से, लेकिन हम पहले क्या करते थे, मान लीजिए हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा कि हाई हेलो हाउ आर यू, इस पैराग्राफ को हमने लिखा, इस पैराग्राफ को मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट इस पैराग्राफ को, या मान लीजिए हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा, हेडिंग आपको दिखाने के लिए हेडिंग वन, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं भाई ये मेरा हेडिंग जो, ये हेडिंग है जो, ये जो मेरा चैनल का नाम है सादिक अख्तर, बिल्कुल सेम टू सेम इसका जो जो प्रॉपर्टी है, जैसे फॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 48 और बोल्ड और अंडरलाइन है, मैं सेम चाहता हूँ कि इस हेडिंग में भी आए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को क्या करना है, नए तरीके से कोई भी कैरेक्टर को इसका सेलेक्ट कीजिए जिसका आप प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाइए और यहाँ पे आके उस हेडिंग को हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो आप देख सकते हैं सेम प्रॉपर्टीज टाइम्स न्यू रोमन 48 बोल्ड अंडरलाइन आ गया। तो देखा ना दोस्तों कितना आसान है वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को कॉपी और पेस्ट करना। सो फ्रेंड्स, आज हमने यही बेसिक सी चीज सीखी जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल लॉजिक हमारे लिए काम आ सकती है हमारे काम में, और हमारे काम के टाइम जो लगता है उसको बिल्कुल आधा से भी कम कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायद।